एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हम जो कि आपका रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, 50% आपके जो सब्जेक्ट होता है यानी जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, 50% जो है एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछा जाता है। यानी आपको टोटल एग्जामिनेशन में 70 एमसीक्यूज पूछा जाता है और 70 में से 35 एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछा जाता है, 35 आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी भी ऑन गोइंग है। लास्ट डेट है 16th of Jan, ठीक है, यानी 16 जनवरी को आपके लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यानी आपके पास गिनकर यहाँ पर 4 to 5 days ही रिमेनिंग है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करने के लिए। और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म एंड होते हैं उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो हो सके तो आप बस एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रख दीजिए। सीट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये आगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन फॉर्म कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म आने के चांसेस है इस यूनिवर्सिटी में, कितने स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं, उसके बेसिस पर ये सीट्स एंड उनके सब्जेक्ट्स ये उसके बेसिस पर निकालने वाले हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम एप्लीकेशन फॉर्म क्यों फिलअप करें। तो देखिए, पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रखना ही है क्योंकि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन लास्ट डेट आपकी करीब आ रही है। और उसी के साथ साथ जैसे आपकी लास्ट डेट एंड हो जाएगी, उसी के साथ साथ आपके सीट एंड सारी चीजें, जैसे सब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल है, पर्टिकुलर कितने फील्ड में कितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल है और उस सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें बेस्ड ऑन आपके एप्लीकेशन फॉर्म, कितने एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं उसके बेसिस पर ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये फॉलो करना है सारा प्रोसीजर। तो आपको जल्द से जल्द, मैं आपको फर्स्ट थिंग बता दूं, आपको जल्द से जल्द आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रख देना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पेपर वन की हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स का काफी अच्छा रिजल्ट लगा था, काफी अच्छा रिजल्ट आया था। 85 to 90% स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स की हेल्प से उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाया था। तो जल्द से जल्द, जैसे कि आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हो, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेस लेक्चर। सो एमसीक्यू से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथडोलॉजी पर बेस्ड होता है और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको एग्जामिनेशन में भी, सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 टू 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि थियोरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है, मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है, देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड 1500+ रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स, 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम सारे जो यूनिवर्सिटीज के लिए होता है 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, द डेटा टेकन फ्रॉम द पब्लिकेशन एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक डेटा लिया गया एक पब्लिकेशन से जो क्या था, एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया, देन उस डेटा को आप कौन सा डेटा कहोगे। तो इस क्वेश्चन में जो डेटा लिया गया वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है डेटा, ऐसा डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और आप उसको यूज कर रहे हो,
सो वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर आएगा. सो रिमेम्बर, रिसोर्स में जो डेटा होता है, डेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है प्राइमरी डेटा एंड नेक्स्ट होता है सेकेंडरी डेटा. अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा. अब रिसर्चर खुद कैसे डेटा जनरेट करेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू क्वेश्चनर्स, ये सारे मेथड यूज कर खुद डेटा को जनरेट करेंगे. सो वो आपका प्राइमरी डेटा में आएगा. और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा डेटा जो किसी पब्लिकेशन से, किसी आर्टिकल से, किसी जर्नल से लिया गया हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा. सो यहाँ पर एक डेटा लिया गया एक पब्लिकेशन से जो कि था एग्रीकल्चर सिचुएशन इन इंडिया. सो ये डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है और पब्लिकेशन से लिया गया है. सो ये आपका आएगा सेकेंडरी डेटा के अंदर. सो रिमेम्बर, हम एक बार फिर से देख लेते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है. प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर के थ्रू खुद डेटा को जनरेट करते हैं. और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है. जैसे आपने किसी डेटा को किसी पब्लिकेशन से लिया है, किसी आर्टिकल से, जर्नल से, इंटरनेट के थ्रू जो डेटा लिया है वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर आएगा. फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, सेकेंडरी डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पलिंग फ्रेम इज अ टर्म यूज्ड फॉर. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सैम्पलिंग फ्रेम, ये टर्म हम किस लिए यूज करते हैं. सबको पहले पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग फ्रेम होता क्या है. तो सैम्पलिंग फ्रेम मतलब एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में आपके जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन इस लिस्ट में प्रेजेंट होती है और विथ नेम. ओके, और इस लिस्ट में से आप क्या करते हो, रैंडमली कोई भी पर्सन को आप सिलेक्ट कर लेते हो और ये आपके सैम्पलिंग यूनिट्स बन जाते हैं और रिसर्चर इन पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, अपनी स्टडी परफॉर्म करते हैं. तो सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होता है? एक लिस्ट होती है जो पॉपुलेशन में आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन विथ पर्टिकुलर उनका नेम भी मेंशन होता है और उस लिस्ट में से आप रैंडमली सैंपल्स को अपने सेलेक्ट कर लेते हो. वो आपकी सैंपलिंग यूनिट्स बन जाती हैं जिस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो और उन पर आप आपकी स्टडी परफॉर्म करोगे. जो भी आपका टॉपिक है उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करेंगे उन लोगों पर. तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सैंपलिंग फ्रेम इज यूज फॉर अ लिस्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, If a researcher wishing to draw a sample from sequentially numbered invoices uses a random starting point, then draws every 50th invoices, he or she has thus drawn a sample. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक रिसर्चर है और उस रिसर्चर को अपना सैंपल लेना है. तो रिसर्चर के पास एक नंबर ऑफ इनवॉइसेस है. नंबर ऑफ इनवॉइसेस, इनवॉइसेस का मतलब होता है बिल्स. जैसे आपने कोई आप प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपके पास बिल होता है. सो एक रिसर्चर है, उनके पास मान लो बहुत सारे बिल्स होंगे, थाउजेंड्स में बिल्स होंगे. तो रिसर्चर ने उन बिल्स में से रैंडमली एक बिल को सिलेक्ट कर लिया, एक रैंडम पॉइंट पर एक बिल को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद रिसर्चर ने ये डिसाइड करा कि मैं एवरी 58 बिल सिलेक्ट कर लूंगा और वो मेरा सैंपल बन जाएंगे और उस पर मैं स्टडी परफॉर्म करूंगा. ओके, तो ये सैंपलिंग कौन से सैंपलिंग के अंडर आएंगे हमें ये फाइंड आउट करना है. सो रिमेम्बर, यहाँ पर रिसर्चर ने क्या करा कि रिसर्चर ने एक बिल सिलेक्ट कर लिया रैंडमली. रिसर्चर के पास थाउजेंड्स में बिल्स होंगे मान लो, और उस बिल्स में से रिसर्चर ने एक बिल आपका रैंडमली सिलेक्ट कर लिया. मान लो यहाँ पर इतने सारे पर्सन के बिल्स है मेरे पास, मैंने एक रैंडमली इस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया. इस पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद रिसर्चर ने एवरी 58 बिल सिलेक्ट कर लिया. इस पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद 50 बिल छोड़कर 51st नंबर पर जो बिल आएगा वो उस पर्सन को सिलेक्ट कर लेगा. फिर उसी तरीके से अगेन 50 छोड़ के 51st नंबर पर जो पर्सन का बिल आएगा उसको सिलेक्ट कर लेगा. ऐसे ही रिसर्चर लोगों को सिलेक्ट कर लोगों के बिल्स को सिलेक्ट कर लेगा और वो उनका सैंपल बन जाएंगे और इस पर रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करेंगे. सो ये कौन सी रिसर्च में, सॉरी ये कौन सी सैंपलिंग में आ जाएगा आपका? सिस्टमैटिक सैंपलिंग में. रिमेम्बर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक इंटरवल पर अपने सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो कि आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि मैं हर 58 छोड़कर 51st वाले को 51st बिल में सेलेक्ट कर लूंगा, 51st वाले पर्सन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा. सो आप पहले से ही डिसाइड कर लो, आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया. तो ये सिस्टमैटिक तरीके से जा रहे हो. सो ये आपका आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, जहाँ पर एक आप पहले एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हो, देन उसके बाद आप इंटरवल डिसाइड कर लेते हो कि आप कौन कौन से इंटरवल पर आपका सैंपल सिलेक्ट करने वाले हो.
देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी एंड सी क्या गिवन है, सिंपल रैंडम सिक्वेंशियल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो ये तीनों सैम्पलिंग मेथड में आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर आप कोई इंटरवल डिसाइड नहीं करते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। रिमेंबर एक बार हम फिर से देख लेते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप पहले आपका जो एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट होता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो, देन आप पहले इंटरवल डिसाइड कर लेते हो उसके बाद कि आप कितने नंबर्स पर अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, देन आप सिलेक्ट करते हो और वो आपका सैंपल बन जाता है एंड देन उस पर आप स्टडी परफॉर्म करते हो। सो ऐसा आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में करते हो, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट, टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड इफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर दो वेरिएबल है वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है तो वो किस सिचुएशन में हम उसको कहेंगे कि वो परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। सो रिमेंबर आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च है उसमें आपका एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू कोरिलेशनल रिसर्च में -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके जो कोरिलेशनल कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मींस आपके जो वेरिएबल्स है वो परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड है, और आपके अगर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मींस आपके जो वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड है, और अगर आपकी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? जब -1 वैल्यू होंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हो तो आपका वेट क्या हो जाएगा, वो जल्दी लॉस हो जाएगा। सो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है एक वेरिएबल्स दोनों भी वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट भी बहुत ज्यादा कम होगा। सो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? जब आपकी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोरिलेटेड, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम इज -1। ओके, जो वेरिएबल्स है वो कैसे कोरिलेटेड होना चाहिए, नेगेटिवली कब, जब उनकी वैल्यू -1 होंगी। -1 होंगी दैट मींस उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम इज -1। नेक्स्ट, नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिमेंबर सैम्पलिंग में दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर और नेक्स्ट होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है, आपके जो सैंपल्स है आपने जो भी सैंपल लिया होगा वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। ओके, आपने ऐसे सैंपल चूज कर लिया है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब मान लो आपको स्मोकर्स पर स्टडी करना है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन पर स्टडी करनी है, और आपने ऐसे सैंपल्स ले लिया जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा आपका रिजल्ट तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट आ जाएगा इस केस में। तो सैंपलिंग एरर क्या होता है, आपने ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर लिया जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। और नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है, जिसमें अगर आप जो सैम्पलिंग मेथड्स यूज करते हो, सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो, उस टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है वो होगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर्स में। जैसे आपके जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट ने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आपने जो इंटरव्यूज कंडक्ट किया होगा, इंटरव्यूज के थ्रू जो आप लोगों से रिस्पॉन्स ले रहे हो, आपने कुछ रिकॉर्डिंग में आपने जो आप रिस्पॉन्स उनके रिकॉर्ड कर रहे हो आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो ये आपके नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा। तो नॉन सैम्पलिंग एरर को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, कि जब हम हमारा सैंपल साइज ज्यादा लेंगे तब आप हो सकता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स कम हो जाए। अब मान लो जैसे 100 पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन में से आपने 90 सैंपल्स ले लिया, 100 पॉपुलेशन में टोटल 100 मेंबर्स है और 100 में से आपने 90 मेंबर्स ले लिया और उन पर स्टडी परफॉर्म करा जो कि आपका सैंपल है। इस केस में आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लार्ज होगा उतना ज्यादा आपके रिजल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट हो जाएंगे। ओके, इस केस में आपकी जो स्टडी होंगी वो 90% रिजल्ट आपके करेक्ट हो जाएंगे, 90 to 90
2% आपके रिजल्ट होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे, मतलब जितने ज्यादा आपके सैंपल साइज होगी उतने ज्यादा आपके नॉन सैम्पलिंग एरर्स के चांसेस, एरर्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नोन दैट द अमाउंट ऑफ एप्पल जूस फाउंड इन अ 500 ml बॉटल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 495 ml एंड 510 ml. What is the probability that a randomly selected bottle of apple juice contains more than 500 ml of juice? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक एप्पल जूस की बॉटल है और वो बॉटल 500 ml की बॉटल है, ओके? और उस 500 ml के बॉटल में एप्पल जूस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? 495 ml से लेकर 510 ml के बीच में आपका एप्पल जूस उस बॉटल में फिल होगा, क्योंकि मशीन के थ्रू एप्पल जूस फिल किया जा रहा है। सो जरूरी नहीं है हर बार एग्जैक्टली 500 ml ही फिल हो, कम ज्यादा हो सकता है। सो वो रेंज आपको गिवन है 495 ml से 510 ml। अब इस केस में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर मैं रैंडमली किसी भी बॉटल को मैं चूज कर रही हूँ, तो मैं अगर कोई बॉटल को मैं कितने बॉटल ऐसे चूज करूंगी, कितने बॉटल ऐसे होंगे जिसमें 500 ml से ज्यादा जूस मुझे मिलेगा, ओके? हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, इस केस में हम क्या करेंगे, पहले रेंज लिखेंगे कितने के कितने बीच में आपका एप्पल जूस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर आपको रेंज गिवन है 495 से आपका रेंज 510 ml तक है। अब इस वैल्यू के बीच में आपकी 500 ml, क्योंकि बॉटल टोटल कितने की है, 500 ml की है, सो 500 ml यहाँ पर लाई करेगा, ओके? तो यहाँ पर आपका हमने रेंज लिख लिया। अब इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितने चांस होंगे कि मैं ऐसे रैंडमली बॉटल को सिलेक्ट करूं जिसमें 500 ml से ज्यादा मुझे जूस मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जूस ग्रेटर देन 500 से ज्यादा जूस कितनी बॉटल में होगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर आपके जो मतलब 500 से ज्यादा लेना है मुझे, ओके? सो 500 से ज्यादा कौन से रेंज में आएगा, ये वाला रेंज फॉलो करेगा। सो 510 माइनस 500, क्योंकि मुझे 500 से ज्यादा जूस चाहिए बॉटल में, सो ये आ जाएगा आपका। देन आपको टोटल रेंज आपको लिखना है, टोटल रेंज क्या है, 510 माइनस लोएस्ट वैल्यू 495। देन आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो जाएगा 10 अपॉन 15 करने पर 5 2 10 and 5 3 15, तो आप सिंपलीफाई करिए आंसर हो जाएगा आपका 0.667, ओके? सो यहाँ पर आप देख रहे हो 66% प्रोबेबिलिटी और 66% चांसेस ये है कि अगर मैं कोई भी रैंडम बॉटल को सिलेक्ट करूंगी उसमें मुझे 500 ml से ज्यादा जूस मिलेगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.667। नेक्स्ट, फॉर अ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विद अ सिंगल मोड, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, सो उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हो गए। अब नेगेटिव स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सबके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका डेटा, ओके? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आप इसको बीच से कट कर दोगे तो लेफ्ट साइड की जो इमेज है और राइट साइड की जो इमेज है एक दूसरे की ये मिरर इमेज हो जाएंगे, जिसमें आपके जो मीन, मीडियन एंड मोड तीनों भी एक दूसरे से इक्वल होते हैं, तीनों भी सेम ही पॉइंट पे लाइक करते हैं। सो ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये केस होता है कि तीनों एक दूसरे से इक्वल होंगे, ओके? देन पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होगा, कुछ इस तरीके से आपका पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, जिसमें सबसे छोटा मीन मोड होता है, फिर उसके बाद मीडियन एंड लास्ट सबसे लार्ज वैल्यू आपकी मीन की होती है। सो ये आपका पॉजिटिव स्क्यू में होता है। और नेगेटिव स्क्यू में क्या होता है, नेगेटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट साइड पर टिल्टेड होगा, जिसमें आपके सबसे छोटी मीन होता है, देन उससे बड़ा आपका मीडियन होता है एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू आपके मोड की होती है। सो ये केस हमें ऑप्शन बी में गिवन है, मीन इज लेस देन इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन इक्वल टू मोड। तो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मोड कुछ इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, suppose a finite population contains 7 items and 3 are selected at random without replacement, then all possible samples will be, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपके पास एक पॉपुलेशन है उसमें टोटल 7 आइटम्स है, मतलब 7 आप मान लो कि 7 मेंबर्स है, 7 में से आपने 3
मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल बन गया। और आपने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने एक बार सैंपल सिलेक्ट कर लिया तो उनको पॉपुलेशन में नहीं भेजा है, उस तरीके से आपने सैंपल सिलेक्ट कर लिया। तो इस केस में कितने पॉसिबल चांसेस होंगे आपके सैंपल सिलेक्ट होने के, कितने आपके टोटल सैंपल सिलेक्ट होंगे हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेम्बर, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको याद रखना है कैपिटल एन आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल एन हम सैंपल के लिए यूज करेंगे। ओके, और जब प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल एन मतलब पॉपुलेशन, सी मतलब चूज, आप पॉपुलेशन में से कितने सैंपल को चूज करोगे, और ये स्मॉल एन, कुछ इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन कितनी है, टोटल 7 है आपकी पॉपुलेशन में मेंबर्स, और आपने चूज 3 को चूज कर लिया, 3 लोगों को, 3 मेंबर्स को चूज कर लिया, 3 आइटम्स को चूज कर लिया आपने, तो ये हो गया आपका ये फॉर्मूला। देन फॉर्मूला होता है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पर आपका 3 एंड 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, देन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो यहाँ पर 4 एंड 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, देन 3 वन जा 3 टू जा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या रह गया 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 हो जाता है आपका 35। देन यहाँ पर आपका कितने सैंपल सिलेक्ट होने के पॉसिबल चांसेस हो गए, 35 आप सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 35। नेक्स्ट, एन इन्वेस्टर नोट्स दैट हिज पोर्टफोलियो इज इक्वली लाइकली टू यील्ड एन एनुअल रिटर्न एनीवेयर इन द इंटरवल 5% टू 35%, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल अर्न मोर देन 23% इन द फोर्थकमिंग ईयर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर ने कुछ मनी इन्वेस्ट किया है जिसमें उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 5% से 35% के बीच में उस इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलेगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितने चांसेस होंगे कि एक ईयर में उसकी जो इनकम होगी वो 23% होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो रिमेम्बर, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन है, सेम वही मेथड हमें ये क्वेश्चन में भी यूज करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो रेंज हमें गिवन है, जैसे हमने उस क्वेश्चन में भी रेंज लिया था, तो यहाँ पर 5% एंड 35% आपको गिवन है, मतलब आपका जो रेंज है वो 5 से 35% के बीच में लाई करेगा। ओके, अब इस केस में हमें फाइंड आउट करना है कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होंगी कि वो जो पर्सन है उनकी इनकम 23% से ज्यादा होंगी, तो इस केस में 23 यहाँ पर लाई करेगा। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है कि 23 से ज्यादा इनकम उनकी, मोर देन 23। ओके, यहाँ पर मोर देन 23 पूछा है प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन 23 इक्वल टू, हमें इक्वल टू देखना है, तो 23 से ज्यादा है। ओके, 23 से ज्यादा अर्न किया है उसने, तो हमें ये वाला रेंज लेना है, 35 माइनस 23 अपॉन टोटल रेंज लेना है, 35 माइनस 5, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 12 अपॉन 30। 12 अपॉन 30 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आंसर आ जाएगा आपका 0.40, मतलब 40% चांसेस है उस पर्सन के कि वो 23% से ज्यादा अर्न कर रहा होगा, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 0.40। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक मतलब आपके जो सैंपल्स है, सैंपल्स आपको जो भी डेटा मिल रहा है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सैंपल का मीन। ओके, अब जैसे मान लो मेरे पास एक पॉपुलेशन है, उसमें से ये जो रेड है ये मेरे सैंपल्स है। ओके, अब मुझे ये जो सैंपल्स है इनसे मुझे मीन मिल रहा है, तो ये मेरे सैंपल वन है सो मैं ये लिखूंगी म्यू वन, ये सैंपल टू है सो ये हो जाएगा म्यू टू, ये सैंपल थ्री है म्यू थ्री, सैंपल फोर है म्यू फोर। ओके, ये मेरे सैंपल का मीन मिल गया मुझे। अब
सैंपल का जो मीन है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे सैंपल से, मैं उसको कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ये मेरा म्यू वन है, ये आपका सैंपल है एक्स एक्सिस पर, ये म्यू टू है, ये म्यू थ्री है, ये म्यू फोर है। सो ये कुछ सैंपल इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मेरा डेटा कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, सो मतलब स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, स्टैटिस्टिक का मतलब ही होता है कि सैंपल से जो मिल रहा है हमको डेटा, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।